वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया के वाली तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पुरब 400 साल शताब्दी के रूप दे विच समुचे सिख जगत वालों मनाया गया। और खुशी वाली गल है कि बहुत लंबे अरसे बाद भारत सरकार ने धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं याद किया। और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं याद करदियां मानयोग प्रधानमंत्री जी की अगवाई दे विच भारत सरकार ने लाल किले दे उत्ती दो रोज़ा वड्डे गुरमत समागम कीते ने। और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की याद दे विच एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी की है। और असी सिख इस लई भारत सरकार का जी धन्यवाद ना करिए तो ये अकृत कंठता वाली गल है। भारत सरकार का मानयोग प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 असी धन्यवाद करते हैं। इस दे नाल ही कुछ गल्लां होर भारत सरकार नाल सांझियां करना चाहते। जदों मानयोग गृह मंत्री जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने वास्ते आए सी उदों श्री अकाल तख्त साहब विखे उन्हां नाल मेरी मुलाकात हुई सी और बहुत सारे सिख कौम नाल संबंधित जिहड़े मसले पेंडिंग पए आ उन्हां तों उन्हां नूं जाणू करवाया सी और उन्होंने भरोसा दिता सी कि असी इन्हां मामलों की हल वास्ते यतनशील जिहड़ा है वो होवांगे और मामले हल करांगे। बहुत सारे मसले है तो उन्हां मसलों के विच एक मसला जिहड़ा है वह बंदी सिंघां की रिहाई का मामला है। भारत सरकार वालों एक 12 नवंबर 2019 श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी के 550 साल प्रकाश पुरब को समर्पित नोटिफिकेशन किया गया सी। ते उस नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारां नूं जिहड़ियां स्टेटां दीआं ने उन्हां नूं आदेश किए गए सन कि बंदी सिंह जिहड़े है वह रिहा किए जाण और भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा की जिहड़ी फांसी है उसनों उम्र कैद दे विच तब्दील किया जाए। पर सितम की गल है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भाई बलवंत सिंह जी राजवाणी का मामला जिहड़ा है वह पेंडिंग कर रखे। प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह जी भुल्लर जी का जिहड़ा मामला है उसकी फाइल जिहड़ी है वह दिल्ली सरकार ने दब रखी। और भाई गुरदीप सिंह जी खेड़ा का जिहड़ा मामला है वह कर्नाटक सरकार ने अजे तक हल नहीं किया। इसी तरह ही भाई जगतार सिंह जी हवारा सहित होर जिहड़े बंदी सिंह जेलों के बंद है लंबिया उमर जिहड़ियां ने वो जेलों के भोग चुके ने उन्हां नूं भी जल्दी रिहा किया जाना चाहिए। जिंदगी का बड़ा कीमती समा जिहड़ा है इन्हां साडे सिख भरावां ने जेलों के बतीत कर दिया। और मैं भारत सरकार नूं ये भी कहना चाहुंदा है कि 1947 तो लैके वक्त दीआं सरकारां ने सिखां दे पिंडियां दे उत्ते बहुत वड्डे जख्म दित्ते ने और जिन्हां दी पीड़ जिन्हां दा दर्द अज भी कौम जिहड़ी है वो हंडा रही। और सानूं बहुत उम्मीद है कि मौजूदा मोदी जी दी जिहड़ी अगवाई दे विच चल रही भारत सरकार है ये सिखां दे जख्मां दे उत्ते मलम लाउण दा कार्य जिहड़ा है वो जरूर करेगी। असी मौजूदा जिहड़ी गवर्नमेंट है उहदे वल कदम वधाउणा चाहुंदे सुहिरदता दे नाल और असीं इह वी चाहुंदे हां कि सरकार जिहड़ी है दिल्ली दी उह साडे वल कदम वधावे। असीं मिलजुल के रहीए, प्यार दे नाल रहीए, खुशी दे नाल रहीए, साडा सन्मान होवे, असीं इस मुल्क दा सन्मान करिए। पर इहदे लई सानूं मिल के चलना पएगा और भारत सरकार नूं सिखां दे मामलों के निजी दिलचस्पी के नाल जिहड़े सिखां दे मामले है वो जरूर हल करवाने पैणगे। मैं एक बारी फिर जो समागम दिल्ली के लाल किले के श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को समर्पित किए ने भारत सरकार ने उहदे लई मानयोग प्रधानमंत्री जी का, श्री मोदी जी का और गृहमंत्री जी का बहुत 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 धन्यवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप।
हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी।